फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है जन्माष्टमी का। हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा थी तो आज मैं उसका ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आई होप आप भी ये पूजा वगैरह इंजॉय करेंगे और चलिए साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये तैयार हुई तो थोड़ा बहुत मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन के रखी है, सूट डाला है, दैट्स इट। तो आई होप गाइस ये लुक भी आपको मेरा अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं। और 12 बज गए थे तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक घंटे पहले ही कृष्ण भगवान जी को यहाँ खीरे के अंदर डाल दिया था, और यहाँ पर हम जन्म करवा रहे हैं क्योंकि 12 बज गए हैं तो ये खीरे से हम बाहर निकाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम उनका अभिषेक वगैरह करेंगे दूध दही शहद से अच्छी तरीके से। और ये देखिए अभिषेक कर रहे हैं हम दोनों मिलकर, और अभिषेक करने के बाद अच्छी तरीके से जब ये अभिषेक कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम अभी इन्हें पूछ रहे हैं और अब इनके नए कपड़े वगैरह पहनाएंगे, नई ज्वेलरी वगैरह पहनाने के बाद अच्छे से सजाएंगे और उसके बाद इनको स्थापित करेंगे इनके झूले पे। तो ये यहाँ मेरे हस्बैंड जो है टीके वगैरह कर रहे हैं उनको, यहाँ मैंने कपड़े वगैरह पहना दिया है। इस बार मैंने कृष्ण भगवान जी को सोने की जो है बांसुरी भी चढ़ाई थी, मैंने एक मन्नत मांगी तो मन्नत मेरी पूरी हो गई थी तो यहाँ पर मैंने सोने की बांसुरी इस बार चढ़ाई है और यहाँ पर झूले पे स्थापित कर दिया है उनको। फूल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद फिर आरती वगैरह करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनको थोड़ा सा झूले में झुलाएंगे। फूल अर्पित करने के बाद ये यहाँ पर झूले पे झूल रहे हैं कृष्ण भगवान जी, नंदलाल जी, जन्मदिन है तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से उनकी पूजा वूजा की और उनको फिर जो भी घर का भोग वगैरह जो भी पूरी सब्जी से मैं खीर वगैरह जो भी बनाई थी वो उनको खिलाया, अर्पित किया उनको। और उसके बाद पानी पिलाकर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने आरती वगैरह कंप्लीट कर ली थी और ऑब्वियसली जन्मदिन है कृष्ण भगवान जी का तो केक कटिंग तो बनता है, तो हवन वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। हवन करने के बाद बस लास्ट जो है चॉकलेट वगैरह उन्हें चढ़ाई थी और यहाँ पर फ्रूट केक हम लोगों ने बनवाया था कृष्ण भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर केक कट करने के बाद उनको केक भी अर्पित किया, प्योर वेज केक था और फ्रूट केक था। और यहाँ पर उनको केक खिलाने के बाद जल अर्पित किया और यहाँ पर मैं उनको फिर से केक खिला रही हूँ, भैया जन्मदिन है तो केक तो खिलाना बनता है। और अच्छी तरीके से पूजा वूजा करने के बाद बस बहुत अच्छी तरीके से पूजा वूजा हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। और आई होप गाइस आपने भी इंजॉय किया हो आज की पूजा वगैरह, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आई होप गाइस आपने भी इंजॉय किया हो पूजा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी जन्माष्टमी कैसे कैसे सेलिब्रेट की और किस यूनिक तरीके से सेलिब्रेट की। तो मैं चलती हूँ और ऐसे ही ब्लॉग और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए बाय बाय।